यूट्यूब सर्च पर बीके बाबू ब्लॉग्स डालें और चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। यहाँ का मंडप महाराज जी यहाँ विराजमान होंगे, सच कर तैयार है इतना, बाकी पर्दे उर्दे लगा के बाकी दिखाएंगे आगे। और गाड़ियाँ देख सकते हैं कितनी सारी आई हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो जा रहा हूँ खाना खाने, और बने रहिए ब्लॉग में। काफी टेंट जो है यहाँ का बन के तैयार हो चुका है इतना, और शाम तक महाराज जी जैसा कि आ जाएंगे, बाकी देख ही सकते हैं बन चुका है सब कुछ। चारों तरफ से दिखा दें आप सभी को, भी नज़ारा कुछ ऐसा है ऊपर का, देख सकते हैं पापा वो लगा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दिखा देते हैं आप सभी को चारों तरफ। इसके अंदर क्या दिखा मैं नहीं देख पाया, थोड़ा ऊंचा था, देख सकते हैं कैमरा में। काफी बड़ा लग रहा है, काफी डेरा सज चुका है, तो देख सकते हैं। मिस कोने से जस्ट इस जो कोना नहीं है उस कोने से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाकी देख सकते हो इधर इधर, और मैं जहाँ बैठा हूँ देख सकते हैं, रस्सी को बांध रहा हूँ, इसे बांध रहा था, और बाकी देख सकते हैं यहाँ महाराज जी विराजमान होंगे, इनके लिए बनाया जा रहा है, रात में ठहरेंगे। और ये झालर उलर लग रहा है, देख रहे हैं, और वहाँ भैया खड़े हैं, बाकी सब दिखाते हैं आगे चल के। काफ़ी अच्छा नज़ारा बन रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है। महाराज जी आ जाएंगे, बाकी देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सज चुका है। उधर मंडप है जहाँ से सत्संग देंगे महाराज जी, बाकी देख सकते हैं अंदर बाहर का नज़ारा। काफ़ी गुलदस्ता सजाने का चीज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है, जब सज जाएगा तब दिखाएंगे आप सभी को, बाकी देख ही सकते हैं सब। खूबसूरत भी लग रहा है, बनाया हुआ है अच्छा, और बाकी इधर भी देख सकते हैं ये भी अच्छे तरीके से बना दिया गया इधर से भी। बाकी बाबा लोग जा रहे हैं अब उधर, बाकी मैट बिछाया जा रहा है, उधर ट्रक है, उधर भंडारा है, बाकी देख ही सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो में आप सभी को बताएँगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय गुरु।